देश जहां एक ओर आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास में खुशियां मना रहा है और घर घर में तिरंगा लहरा रहा है, वही ग्राम पंचायत सगहन के ग्रामीण के घर घर में अंधेरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत सगहन ग्राम पंचायत में सैकड़ों घर अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। बताया गया कि रीवा जिले के मऊगंज डिवीजन अंतर्गत सगहन ग्राम पंचायत का ट्रांसफार्मर महीनों से चला हुआ है और किसान एवं ग्रामीण के द्वारा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी लिखित रूप से भी कई बार दी जा चुकी है, पर ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित बिजली विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों से मन्नतें करने पर ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में पैसों की मांग करते हैं। वहीं क्षेत्र के नेता और विधायकों की नजर इन ग्रामीणों की दयनीय परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए देश के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। अब देखिए ऐसे ग्रामीण बरसात भरी तूफानी रात में कैसे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सुनते हैं ग्रामीणों से इनकी ही जुबानी। सुरमा जोर नहीं है, जरा है। अब हम आंधर मनाई, हमका जैसे दिन तैसे रात, कहाँ में गिरन कहाँ वो गिरन, खाना दाना बना वाला हाथ गोड़ जर जात है, हमारे आँखी नहीं देखा तो हम का करी। हमला ये है कि हम लोग एक डेढ़ महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, और हम लोग इतना मतलब परिश्रम फिर किए विधायक के पास और 181 हेल्पलाइन CM मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन और सरपंच भी भाषण दे चुके हैं और इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन आज तक एक महीने से इतना हम लोग परेशान हैं कि कोई परेशान मतलब समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऑनलाइन हम लोग किए हैं उसकी सुनवाई की जाए, और सगन नंबर 2 का ये हरजन बस्ती है और ट्रांसफार्मर लगे, हम यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग सब जमा कर चुके हैं बिजली, जो हमारी मतलब लाइट की बिजली थी हम लोग सब ये मतलब कर चुके हैं, पूरा बिजली बिजली भर चुके हैं, मतलब बिजली बिल पूरा पेड है जी, पेड है। और हम लोग पैर रखते हैं तो कहाँ रख रहे हैं ये भी हमको नहीं समझ आ रहा है, हम तो समझ रहे हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं कीड़ा उड़ा काट ले और पढ़ाई में उनको समस्या हो रही है, तो सब चीज की समस्या है। तो ये जो हमारी हरजन बस्ती है इसकी सुनवाई हम यही चाहते हैं कि की जाए और ट्रांसफार्मर लगे, ठीक। और हम यही चाहते हैं, आपसे अनुरोध यही करते हैं कि इस समस्या का हमें जल्द से जल्द हमें ट्रांसफार्मर लगाने की मतलब सूचना दी जाए और हम लोग पूरा सपोर्ट मारेंगे। बरसात का टाइम चल रहा है तो जो समस्या जो हमसे सहारा लेंगे तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बस ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य योजना समिति सदस्य कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त
जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिल सिंह, नमस्ते। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेन्द्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आजादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।